मैंने एक्चुअली किया ना 2-3 बार के। वेलकम टू अवर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे विद अस। तो आज है 2 फरवरी और आज हम लोग ने अभी जस्ट खाना वाना खाया। आज के हम बहुत लेट हो गए थे क्योंकि हम लोग सुबह से साफ सफाई में लगे थे और फिर हम लोग के घर के पास एक डॉग है जो बहुत बीमार है बेचारी, तो उसकी मदद के लिए सबसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उज्जैन में क्या हेल्प मिल सकती है, ये सब कर रहे थे। और ये लड़का आ गया, ये ऑफिस के काम में बिजी था। आज ऑफिस में बिजी था मैं, ये तो पर तुमने ये क्यों बताया भाई, यार दिन भर तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, प्रैंक किया सुबह सुबह के साथ में, बहुत मजा आने वाला। जो अपलोड हो चुका है आज, आप कल प्रैंक किया था, आज अपलोड हो चुका है डफे। हाँ तो कल प्रैंक किया था, ओके किया था, चालू चल रहा है ना प्रैंक। प्रैंक चल क्या रहा है, प्रैंक खत्म हो गया है डफे। तो अभी इसका व्लॉग आने वाला है बहुत जल्द, कल ही मतलब व्लॉग चैनल में व्लॉग आ जाएगा। और आप देखना मैंने कौस्तुभ से कितना सारा काम करवाया है, उस प्रैंक का बदला मैंने कैसा लिया है। मतलब ये एक प्रैंक करता है ना, मैं उसपे 10 प्रैंक कर देती हूँ। 10 क्या होता है, 10 क्या होता है अंग्रेजी चल, पापा का ऐस है, पापा का ऐस है, कहीं भी लगाओगे 2। डॉग को देखना है, उसको फोन लगाना है, बोले कि 3 बजे तक फोन लगाना है। 3 बजे तक आएंगे वो? नहीं आएंगे नहीं, 3 बजे में फोन लगा के वो टाइम बताएंगे। ओके। अरे यार क्या हुआ है ना, अभी हम जहाँ नई जगह शिफ्ट हुए, अभी हम जब शिफ्ट हुए तब तो हमें पता नहीं था कि वो डॉग हेल्दी है या अनहेल्दी है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला, मैं बाहर देखा ही नहीं। और मैं जब बुरहानपुर से आई उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये डॉग की कोई तबीयत खराब है, कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, बहुत सारा स्किन इन्फेक्शन लग रहा है। और बेचारी को मैं खाना पीना देती थी तो वो कुछ खा ही नहीं रही है, और मैंने फिर ब्रेड वेड दिया तो उसने बहुत मुश्किल से खाया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये बीमार है, पर अब उसे लेके कैसे जाए क्योंकि वो हाथ नहीं लगाने दे रही। ऑलरेडी ऑब्वियसली उसे पेन हो रहा होगा, उसे इन्फेक्शन हुआ है तो वो हाथ नहीं लगाने दे रही। अब मैं तो 2 दिन में अभी इतना तो खाना खा भी नहीं रही हूँ मेरे हाथ से कि वो मुझे एकदम जानने लग जाए, तो फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ उसे फीड करती रहूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे हेल्प सेंटर, एक तो यार छोटे शहर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हेल्प सेंटर होते नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं होता जो आपको गाइड कर सके कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पर फिर भी हमें इंदौर के थ्रू एक लड़की मिली जो यहाँ पे डेंटिस्ट है, वो देवास जॉब करती है, उसने हमारी हेल्प की। उसने हमें एक वेटरन का नंबर दिया है जो ऑलमोस्ट वेटरन ही है पर वेटरन जैसा काम करते हैं, तो वो घर पे आके देख लेते हैं। तो वो आने वाले हैं, हमने आज सुबह से कल से हम यही कर रहे हैं कि किसी से कांटेक्ट हो जाए, बस किसी से कांटेक्ट हो जाए ताकि हमारी बात हो सके किसी से। और कौस्तुभ ने भी मेरी बहुत मदद की है, मुझे पता नहीं था कौस्तुभ भी इतना डॉग लवर है, गजब बेइज्जती है। हाँ तो उसने मेरी मदद की है, ऐसा नहीं है मेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसे मदद करता है मेरी हर काम में, है ना कौस्तुभ। आज पता है मैंने खाने में क्या बनाया था, पापड़ और सेव की भाजी। आज तो हमारे डॉग्स भी नहीं खा रहे यार, पता नहीं क्या हो गया है। मेरे कैरी पेरी भी बेचारे आज कल से ऐसे खाना नहीं खा रहे, बहुत कम ऐसे खा रहे है ना। मेरा कैरू शायद वेदर बहुत चेंज हो गया इस वजह से नहीं खा रहे हैं। तो चलिए हम उस डॉग से मिलते हैं जिसकी मैं बात कर रही थी। अगर आपके पास भी कोई है जो उज्जैन में हमारी हेल्प कर सकता है उसे ट्रीट करने में, तो प्लीज़ कमेंट अस डाउन, हमें उनका डिटेल शेयर कीजिए। और कोई भी डॉग से जहाँ पे मदद चाहिए तो प्लीज़ हम भी उनसे अपनी डिटेल शेयर करेंगे। तो ऐसा कुछ अटैक वटैक नहीं करिए, पर वो क्या है कि पता नहीं था हमको भी, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, तो हम डर रहे थे थोड़ा सा कि क्या और कैसे। बार के मेरे डॉग्स को देख के मेरे पे गुस्सा कर दी, तो इसलिए हाँ वो चक्कर कुछ कर रहे होंगे। मैं टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ, अब आपको यहाँ इसके हाथों से लाना पड़ेगा। अच्छा मैं टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ, ऐसे करते रहो अच्छा अपनापन अच्छे से कर। हाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है ना, आँख तो उसकी गई है ये वाली, तो लग रहा है कि हेलो। हाँ नो 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 गुड गर्ल, नो नो गुड गर्ल, शाबाश। स्किन में लगा दीजिए ऊपर सब कट, वेरी गुड। नो 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 21 दिन बाद की रिलैक्स रिलैक्स, 21 दिन बाद की डेट डाल दीजिए, उसके बाद तो अगली डेट वो वैक्सीन करेंगे, उसके बाद डाल देंगे। फीवर है बहुत तेज हाँ आप उसको ठीक लग रहा है, रोटी खा ली उसने, स्टिक नहीं खाई, कोई बात नहीं। तो अब उसका बुखार अब होपफुली 1-2 दिन में कम हो जाएगा। कल वो फिर से आएगा उसको इंजेक्शन लगाने। और हमारे दोस्त शैतान हमें इतना परेशान कर रहे थे, क्या हुआ था इसलिए मुझे वीडियो बंद करना पड़ा। क्या हो गया था दोनों को? तो छोड़ के चली गई थी। क्या हो गया था दोनों को? छोड़ के चली गई थी तू। क्यों इतना शोर हो रहा था घर में? छोड़ के चली गई थी। मैं तो जा रही हूँ, बाय। नहीं कह रही हूँ बाय। जा पकड़ ले, जा पकड़ ले उसको, जा। नहीं आना, नहीं नहीं नहीं। ए बैरू बैरू बैरू, नहीं नहीं बस। एक बेल्ट भी नहीं है एकदम से। अबे आज इसको क्या हुआ, सुबह में ले गया उसका डीला था, इधर से निकल गया इसका बेल्ट। हाँ नहीं है, पता सुबह जल्दी जल्दी गया था। तो मैं से मैंने कहा पैरी स्टॉप 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 स्टॉप, फिर रुके, फिर उसको एकदम से याद आता है बेल्ट निकल गया मेरा। फिर उसको एकदम से रियलाइज होता है इसका बेल्ट निकल गया। हाँ फाइनली 9 बज गए हैं और ये देखो लड़के ने ये देखो ये जो दिख रहा है ना कचरा, ये वाला, ये इतने पूरे चने उसने खाए। वो देखो, वो देखो वहां पे चने के कचरा। हट कैरी, देखा ये देखो इतने चने इसने खा चुका है। भगवान जाने 2 घंटे हो गए बैठा हुआ है। मैं बेचारी सेके जा रही हूँ और खाया जा रहा है। भगवान कसम झूठ बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है तू, कितना झूठ बोल रही है। मतलब मैं तो आपको सिर्फ यही सच बताना चाह रही थी। और है ना मैं तो सिर्फ यही मैं तो क्या यही बताती हूँ भाई। सर सच ये बूट लेके आई है, जो हरे चने लेके आई है, उसके बाद वो लेके आई है। लेके तो मैं ही आई हूँ लेकिन खा पूरे तू गया। मैं तो बेचारी छिल के इतनी मेहनत से कटोरा भर के छिल के ऐसे तोड़ के रखे थे और ये आदमी ने ऐसा किया है। मतलब ऐसा होता है जब आप बीवी बन जाते हो, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं तो परेशान हो गई, मेरे पैर दुख के आ गए, पेट दुख के आ गया, लेकिन ये बंदा खाने का बंद ही नहीं हो रहा है इसका। सच बोलना भगवान मैडम। हाँ तो सर एक सच बात बता रही हूँ मैं आपको। सच बात ये है कि वो उसको इंजेक्शन लग चुकी है और उसने फटाफट खाना थोड़ा खा लिया, थोड़ा रहन दिया। मैंने चिकन और थोड़ा सा राइस और पानी डाल के दे दिया था उसको, गर्म पानी डाल के। तो अब वो खा के सो रही है बिंदास। अभी देखा मैंने आधा खा चुकी थी, आधा रह गया था। उसमें बूट नहीं है, चने नहीं है उसमें। और ये मैडम भी कौस्तुभ के साथ चने खाने बैठी है। ये तो चुन चुन के खा रही है चने, बताओ। इसको तो ये तो पहली बार लाया अपन। हाँ इसको तो पहली बार नई चीज। स्ट्रॉबेरी खाई इसने, क्या खिलाती रहती है उसको। इसे मैंने मैश करके दी उसको। चलो ठीक है, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद अस, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ व्लॉग्स एंजॉय करते रहना, प्रैंक एंजॉय करते रहना। और कौस्तुभ के साथ प्रैंक का बदला लिया जाएगा, आप वेट एंड वॉच करना। ओके बाय बाय, गुड नाइट।